मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? चौकीदार चोर है। मोदी ने अपने भाषणों में स्पीच दी 2007 से 2002 में जो यूपीए सरकार का एग्रीमेंट था फ्रांस की गवर्नमेंट से होने जा रहा था, उसमें 526 का प्लेन आ रहा था। अच्छा, तो उसी कंडीशन को जाके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोदी ने साइन कर दी। डिफेंस मिनिस्टर को क्यों ले गए? वो क्यों नहीं ले गए? डायरेक्ट क्यों कर दी? उसका जो प्रोसेसिंग होता है, जो एयरफोर्स के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, उनके एफिडेविट सामने ले गया, आए तो क्यों नहीं लाए? रक्षा मंत्री सीतारमन 2.5 घंटे स्पीच देती है, लेकिन एक उसका सवाल का जवाब नहीं देती। बताओ क्यों नहीं देती? जवाब मेन पॉइंट का जवाब देते हैं। कीमत क्यों बढ़ा दी? वो कहते कि अब वेपनाइज, पहले बेसिक प्लेन था, अब वेपनाइज है। जब मोदी डायरेक्ट मोदी ने वहाँ पे साइन किए जाके फ्रांस के राष्ट्रपति और डेसोल्ट के मालिक ने, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो एग्रीमेंट हुआ सेम कंडीशन, यूपीए सरकार की जो कंडीशन थी सेम कंडीशन। तो इतने कीमत कैसे बढ़ गई? कैसे बढ़ गई? कौन देगा इसका जवाब? इस पर बात पर बोलते ही नहीं। 2.5 घंटे स्पीच दे रहे, मोदी भागा फिर रहा बेचारा, वो चौकीदार चोर करके भागा फिर रहा। बताओ कौन दे रहा जवाब? कौन दे रहा? इधर उधर की बात हो रही, लेकिन सवाल का जवाब कौन दे रहा? चोरी तो चोरी, सीधा चोरी। अगर तुम्हारे लोकसभा में MP ज्यादा है तो तुम किसी को बोलने नहीं दे रहे। मतलब कैक की रिपोर्ट जा रही, अभी पेंडिंग में PSC की जा रही। PSC का विपक्ष का नेता होता है, उसके पास उसने साइन नहीं करे, वहाँ पे कोर्ट में दिखा दिया कि उसने साइन कर दिए, झूठे एफिडेविट डायरेक्ट कोर्ट में, और कह रही कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने कहा, कोर्ट की भी बात देख लो आप, कोर्ट में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे कि हमें पढ़ने में गलती हो गई, हमें गलत एफिडेविट दे। तो इतनी पॉपुलर न्यूज सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ग्रामर में गलती हो जाएगी? सब खरीदे हुए, सब खरीद दे गए। राम जी किसी साथ गलत है। अच्छा राम जी, तुम्हारे घर वहीं बनेगा घर? अच्छा राम, उससे किसी की जरूरत हो? राम को जरूरत है, किसी कोई छीन लेगा उनका घर? कोई छीन लेगा? नहीं, छीन तो कोई नहीं सकता। तो बनेगा कब? बने ओहो, जिन्होंने वादा किया उनसे पूछो ना। यानी कि उन्होंने जो वादा किया और फिर उसे ही नहीं निभा पा रहे। अच्छा मेरी बात सुन लो, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, वो अयोध्या का मंदिर वहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए बिल्कुल, लेकिन पहले अगर उनका है, जगह है उनकी, अगर मुस्लिम पार्टी की वो प्रॉपर्टी है तो मुस्लिम चाहेगा बन जाए वहाँ, लेकिन अगर उसकी, उसे दूसरे मुस्लिम भी नहीं रोक सकते, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी है उसमें तो बनेगा। अब जबरदस्ती थोड़ी कर लोगे तुम। मान ले अगर कोई मस्जिद है, कोई हिंदू की है, हिंदू की प्रॉपर्टी नाम उसके, तो वो तो अपनी प्रॉपर्टी उसका अधिकार ले लेगा वो चिपचे। अब ऐसे ही वहाँ से लेकर प्रूफ तो जाने दो, मुस्लिम तो राजी है। तो यानी कि सियासत खेली जा रही है, सियासत तो राम के और हिंदू के नाम पे वोट की राजनीति कर दें जी मोदी जी। भाजपा गवर्नमेंट टिकी हुई उस पे 1992 में, इसी से शुरुआत हुई भी उनकी। अच्छा, यानी कि चौकीदार चोर है। अभी तुम ये राफेल वाला मुद्दा उठा दो, क्योंकि एफिडेविट सामने ले आओ। कोर्ट में तीन चीफ जस्टिस बैठे, उन्हें अगर हमें पढ़ने में गलती हो गई, हैजरीज में फर्क आ गया, उन्होंने प्रेजेंट टेंस पास्ट में पूछा दिया वो। अच्छा, जो प्रेजेंट टेंस प्रोसेसिंग हो रही है उसे पास्ट में पूछा दिया उन्होंने, बनने बैठे चीफ जस्टिस। तो यानी फेक डॉक्यूमेंट खिले, सही आदमी राहुल गांधी भी सही है, राहुल गांधी शरीफ आदमी। अच्छा, वो हेराफेरी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, वो नॉर्मल इस तरह में है ना, वो गलतियां भी करे। मोदी फ्रॉड है, चोर है, मतलब इतना तेज आदमी, पूरी बेवकूफ बना रखा पूरे देश का। अच्छा, फकीर में तो फकीर है, तू तो 10 लाख बना तो फकीर है। अच्छा, एक वो जो आपने 10 लाख वाली बात कही है, एक 15 लाख देने की बात कही थी मोदी जी ने, असल में वो अगर इतनी वो भी नहीं, उसका कहने का मतलब रियलिटी ये है, जब उन्हें कहा था स्विट्जरलैंड में इतना अकाउंट पैसा पड़ा, अगर वहां से मैं ले आऊँ ना तो 15 लाख सब खाते में आ जाएंगे, उसने कहा तक मैं दे दूंगा, हरकत तो ये है। तो लेकिन वो लेके भी नहीं आया, 100 दिन में ले आऊंगा। और अगर 50% अगर मान लो 1000 करोड़ थे, वहाँ 1500 करोड़ चले गए नोटबंदी के बाद, यानी काला धन और बढ़ा वहाँ का, यहीं से गया। अब उसके पास सारे प्रोसेसिंग है, पूरी गवर्नमेंट है, कोई चीज़ 3 तलाक पे रातों रात वो कानून लिया सब, इस पर क्यों ले गया था वो? इस पर क्यों नहीं ले गया था वो? क्योंकि उनका खुद का पैसा पड़ा वहाँ, BJP वालों का, कांग्रेस का, सबका पड़ा, असलियत तो ये है। बारे में बताओ। देखो एक और बात बताऊं, वो भाजपा वाले कहेंगे 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, जो सारे BJP के लीडर हैं सब कांग्रेसी थे,
ये अब आगे ये वॉशिंग मशीन आगे जी भाजपा में आगे वॉशिंग मशीन हो गए, साफ सुथरे हो गए, ले लो। अरे एक और बताओ, सरकार जो है नीति बनाती है, किसी को रोजगार नहीं देती वो। अच्छा। जी कहने को तो भोगी ढोगी, सुनो कहने को तो योगी ढोगी करना फिर था संविधान पति मुख्यमंत्री ऐसे ले रहा। एक मुझे नहीं करा था इसकी माँ झोपड़ी में रहे, तो तू कैसा कैसा लड़का, तेरी माँ तो झोपड़ी में रहे, ढोंगी है वो तो सब। अच्छा कुछ नहीं है इनका, बीजेपी वाले सब देश का नाश करेंगे। हकीकत तो ये है, सिर्फ अपनी गंदी राजनीति पावर के चक्कर में जनता को लड़वा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे।